हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है संडे यानी कि 12 नवंबर, दिवाली का दिन। तो मैं अभी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि उस दिन तो आप लोगों ने देखा ही कि मैंने सब पोछा सब घर को साफ वाफ करके डीप क्लीन कर लिया था। तो आज दिवाली का दिन मैं हल्का से साफ करूंगी घर, तो ऑलमोस्ट सफाई है। आज थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू मार के फिर से पोछा लगाऊंगी, इसलिए मैं आज जल्दी जल्दी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। इसे खा के जल्दी से मैं अपना काम शुरू करती हूँ। ऐसे तो आज संडे है, बच्चा भी घर में है, तो इतना जल्दी तो काम करने नहीं देगा। पर देखिए मैं आज ब्रेकफास्ट पर क्या बना रही हूँ। ये नूडल्स बच्चा और उसका छोटा फा के लिए, और मैं ये बनाऊंगी हम दोनों के लिए पोहा। तो पोहा के लिए मैं पता नहीं क्या क्या डालते, पर ये मैं थोड़ा वेजिटेबल उबल रहा हूँ, तो जल्दी नहीं फकते सोच के मैं इसे पहले उबल रहा हूँ। पोहा तो मैं अपना मर्जी से बनाती हूँ, कैसे कैसे मेन बनाते हैं मुझे मालूम नहीं, जो मेरा मन पसंद है, जैसे मुझे अच्छा लगता है मैं इसे बना। ये मेरे दोनों कढ़ाई रेडी है, इसमें बनाऊंगी बच्चा के लिए नूडल्स, इसमें पोहा। ये नूडल्स को मैंने बॉईल करके स्ट्रेन करके रख दिया, और पोहा को भी मैंने गर्म पानी में ये करके यहाँ में स्ट्रेन करके रख दिया। तो ये हो गया बच्चा दोनों का नूडल्स भी रेडी, और ये पोहा पक गया। लगेगा दे, चलो चलो ना का टिफिन पहले पैक कर देगा, उसके बाद हम लोग खाएगा। ओके Okay. हाँ. वाह, हम तो बहुत बड़ा हो गया। ये तो बड़ा हो गया, खाओ। तो हम लोग के ब्रेकफास्ट मतलब यानी कि फेद पूजा हो गए, तो मैं जल्दी से मैं अपने काम शुरू करती हूँ। सबसे पहले किचन को साफ कर। ये देखिए मेरे किचन के हालात, जब भी मैं हर सुबह ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो हमेशा ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है। जैसे कि मैंने 2-3 आदमी के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया कि बल्कि 10-20 आदमी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया हो। तो मैं इसे जल्दी से साफ कर लेती हूँ, उसके बाद घर की और दूसरे कामों में लग जाती हूँ। देखिए मेरे किचन भी हो गए चकाचक, तो मैं जल्दी से चलती हूँ दूसरे रूम के तरफ। तो मैं सबसे पहले आ गई हूँ बेडरूम में। बेडरूम में तो हमको कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये लाइट बेडरूम में तो हमको कुछ ज्यादा करना नहीं है, सब साफ है। अभी हमको इसको किरकिरकी खोल के इसको बेड को थोड़ा ठीक करके बस झाड़ू लगा के मुझे पोछा लगाना है। पर और ये कॉमन रूम को भी कल पूरा कर दिया था हस्बैंड, और बाहर का जितना सूरज है सब को भी वो साफ कर दिया था, और किचन को भी वो पूरा सब जगह को वो वैक्यूम मार लिया था उसने। तो बस बचा था ये रूम, ये रूम में बहुत अंधेरा है, मैं पहले लाइट खोल लेती हूँ। बचा था ये रूम, ये रूम देखिए अभी भी मेसी है, इसमें भी मेसी नहीं, इसका भी सब सीलिंग विलिंग मैंने साफ करके सब हटा दिया था। बस इसमें मैं आज हल्का सा ये सब कपड़े को जो जहाँ था, देखो ये सब साफ कपड़ा है, धो के रखा हुआ है, बस इसे मैं अब झाप के अपने अपने जगह पे पहुँचा लूँगी। इसके बाद इसे भी झाड़ू मार के ये रूम को मैं थोड़ा सा वैक्यूम मारूंगी, इसके बाद पूरा घर को मैं झाड़ू लगा के पोछा लगाऊंगी। और मुझे ये काम जल्दी से करना है, आज घर में एक मामा भी लंच करने आने वाला है। मामा मतलब मेरा हस्बैंड का मम्मी मतलब मेरा सासू माँ का भाई है, तो आज उसे लंच में भी हम लोग कुछ मीट मच्छी तो नहीं खिला पाएगा, क्योंकि आज का दिन दिवाली में हर साल मेरा हम लोग के घर में मीट मच्छी नहीं बनते, तो इसलिए आज उसे भी कुछ वेज सब्जी खिलाना पड़ेगा। तो ये रूम का सफाई शुरू करते हैं। ये या गो बाय, मर जाओ, गो गो, मामा ये रूम सफा करेगा, गो 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 गो। ये रूम को बेडरूम मार के हो गया, पहले झाड़ू मार के रखूंगी, अभी मुझे जल्दी से लंच बनाना है, क्योंकि 12:30 हो गया तो मामा भी आने वाला होगा। झाड़ू खाना बनाने के बाद मैं बाद में पोछा लगा दूंगी। तो रूम लोग को झाड़ू मार के हो गया,
तो मैं भी इतना गंदा गंदा नहाया है, सिर्फ हाथ मुंह धो के आ गया क्योंकि मैं पूरा घर को पोछा ओछा लगा के नहाऊंगी, इसलिए मैं जल्दी से खाना बनाने किचन में आ गया। ये देखो मैंने चावल भी बिता दिया और ये हस्बैंड क्या क्या सब्जी लाए है। आज तो मीट नहीं बनेगा तो ये क्या है, सरसों, ये भिंडी है, ये बैंगन, बीन्स, और ये क्या नॉलकोर, और ये कॉलीफ्लावर, ये सब लाए। तो ओ ये देखो संतरा भी आ गया मार्केट में, थोड़ा देर पहले एक खा के देखा था, बहुत मीठा है। और ये कॉल मामा आके बैठा हुआ है पर मेरा लंच अभी तक नहीं हुआ, रुकी रहे उसे मैं पहले ग्रीन टी के लिए पूछ लेती हूँ। मामा ग्रीन टी ले लेगा होगा। मामा भी अभी अभी खाना खा के यहाँ से चला गया, तो मैं भी खाना नहीं खाएगा सोचा था, पहले काम कर लूँगी, घर को पोछा लगा के खा लूँगी सोचा था। तो मेरा हस्बैंड भी आ गया, तो वो आ गया तो हम दोनों डायरेक्ट खाना खा लिए। तो खाना खा के मामा का साथ थोड़ा बैठ के देखो 3 ही बज गया, तो मैंने अभी तक घर को पोछा नहीं लगाए, झाड़ू तो पहले मार के रख लिया था, अभी मैं जल्दी से पोछा लगाती हूँ क्योंकि मुझे पोछा लगा के नहाना भी है, और नहा के पूरी और आज खीर बनाऊंगी दिवाली के लिए। नहाते नहाते शाम हो गई, मैं अभी आई हूँ किचन पर, सोच रही हूँ मैं आज डिनर में हम लोग के लिए पूरी बनाऊँ, तो मैंने पहले से बना के रख दिया। आज मैं पूरी आलू पूरी और थोड़ा सा मीठा में खीर बनाऊंगी। तो मैंने नहा लिया, रेडी हो गया, चूल भी सुखाने, मैंने आज का ब्लॉग भी अभी तक अपलोड नहीं किया, आई थिंक आज का ब्लॉग तो अपलोड करते करते लेट हो जाएगा, अपलोड करना ही पड़ेगा नहीं तो मेरा ब्लॉग बहुत लेट हो रहा है। ये दिवाली का ब्लॉग भी आप लोग को पता नहीं, दिवाली जाने के बाद 1-2 दिन बाद मिल सकते हैं, और मेरा आज का ब्लॉग इतना लंबा यह है कि आज का दिवाली का ब्लॉग भी पूरा डाल पाऊंगी। हम भी देखिए मम्मी कल्ला, अच्छे से देखिए, बोलो ना हम कल्ला है तो हाँ तो यस, होते होते बस हो गए है शाम, तो हम लोग दिया जला दिया ना, ये यू देखो हाँ घर में पूरा दिया जला दिया है, तो अभी तक मैंने पूरी और खीर नहीं बने, अभी दिया जला लिए, तो जल्दी से मैं जाके किचन जाके बनाऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को घर का पूरा लुक्स थोड़ा दिखा लेती हूँ, देखिए हे कम देखो मेरे घर को, देखो वो पड़ोसी का घर, ये हम लोग का घर, हाँ ये सज गया, या हम दोनों का घर दिन से कर दिए, यस हो गया। मामा लाइट बंद करने से ठीक था ना, लाइट बंद करने से थोड़ा और वो अच्छे से आना था, ये देखिए क्योंकि मैं पहले लाइट बंद करता हूँ, पर बाहर बहुत शोर शराबा है, काम चल रहा है, आई थिंक डलाई काम चल रहा है, ये देखिए ये है छोटा मोटा से सजाया है। बागो रन रन, ये भाई आगे जला दो, तो जलाओ भाई, वो मालिक तो इधर भाग गया, ये आदमी लोग का कॉल करके भी नहीं।
पुराना वाला नहीं हो रहा। इसको लेके बाबू ये हुआ ही नहीं भाग गया। हेलो पाको करने दो। हाँ यहाँ पर मैं अपने पूरी खीर बनाए रही थी तो देखिए पड़ोसी में भी क्या क्या ला दिए। ये देखिए ये खीर दिया है, आई थिंक ये मिठाई है और ये पूरी, और ये पूरी की सब्जी। आज तो डबल पार्टी है हम लोगों की। तो यहाँ पर पक रहे हैं मेरे खीर, थोड़ा भी हमें बनाएंगे पूरी। ये देखो इधर मैं बेल के रख दिया और अब पूरी का सब्जी तो बन गया। अभी तेल गर्म होने से मेरा पार्टी लोग आ गए, सब दावत खाने आए, सबका चेहरा देखो गौर से। और कौन लोग नहीं आए, सब आए है पर उन्होंने नहीं आए। ये नो वीडियो में क्लास तू वीडियो में। तो ये है मेरा बनाया हुआ खीर, और ये है पूरी, और ये है आलू की सब्जी, और यहाँ पर अभी खाने की तैयारी चल रहे हैं। मम्मी हम कहाँ से तुम कहाँ जाएंगे कला में कौन करे यो इस भाई दो बार क्या है क्या है यो इसको लोग रे बिट्टी को मैं तो बरा इनको मलात के बैंड बैंड को मैं किन्हें बेदो किन्हें बेदो इन्हों एक हिम दो चोयो का नो की रखती शिर कुमार है बेबी तो यहाँ पर मस्ती में ऐसे ताश खेले जा रहे हैं दिवाली के नाम पर। तो ये है मेरा आज का आउटफिट, चुन्नी को दिखाएगा सोचा था चुन्नी नहीं मिला है, तो मैं ये एक जम्पर के साथ पहन के आप लोगों को दिखा रही हूँ। लुक मामा का बच्चा कुर्ता में इतना हैंडसम लग रहा है, ये डोंट डू लाइक दैट। ये क्या छिपाई ये तो आज का सब मेरा दिवाली फंक्शन खत्म हो गया। अब बाहर पर वो लोग दिवाली बम्पर ऐसे ही मस्ती में थोड़ा सा लोग ताश खेल रहे, तो मैंने बच्चों को अभी भी खाना दिया। ये लड़का को देखो तो इसका सोने का समय हो गया, तो ऐसे ये उस दिन से थोड़ा सर्दी खांसी भी तरह से दवाई पिला के मैं इसे सुला दूंगी। सोना नहीं है ये, आपको सोना नहीं है, सोना नहीं है बोलते गाइस लोग। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करती हूँ, बहुत थकान था और बहुत अच्छा भी था, और दिवाली अच्छा से गुजर गया मेरा। तो मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हैप्पी दिवाली, बाय तक। हैप्पी दिवाली।